गाइस गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्या क्या और पसीने देखो हमारे, उसका कारण बस ये है। क्या है आगे बता दीजिए। अरे आप तो हाथ मैं धुल नहीं क्या, ये हूँ। हाथ धुल क्या, ये नहीं है। और मेरा देखो गेटअप कैसा है। जी मैंने लुंगी लगा रखी है और इसको देखो, इसको तो अलग ही दिखेगा। अभी तक हम लोगों का वीडियो शूट हो रहा था, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुई है। देख रहे हो पसीने कितने ज्यादा भीग गए, और इसलिए उसको लिटाया गया था वहां पे, कि लिटा के मतलब उसका शूटिंग था। अगर जो लोग शॉर्ट देखना चाहते हैं ना, वो देख सकते हैं। वो रोल था उसका लेटने वाला। क्या क्या कितना खुश है देखो। और दूर करके उसको देख के पूरा कैसा लग रहा है, उसका ऐसे पैर थंबनेल नहीं दिख रहा है। में। अच्छा उसी का लेना है। ए देखो बेटू, अरे उसका बांसुरी अरे बिक गया सॉरी ना, भाई, सॉरी भाई। बांसुरी में वो मगन है अपने। अरे हली हली तू दौड़ना अरे चाह रहा है, जैसे लग रहा हाँ, गिरा भी देते हैं जानबूझ के यार। लो क्या अपनी करते बांसुरी हैं। खोच लो यहीं पे फिर। हाँ, कान्हा की बांसुरी बगल में रहेगी, ये बार बार गिराते हैं ना इन देखो दिनों। कितना मक्खन लगाया है, खा खा के मक्खन चोर। चलो अरे बाप रे, मेरे बाल छोड़ बेटू, थंबनेल लेते हैं। देखो इस में थंबनेल की एकदम कमी है। परेशान कर दिया यार थंबनेल अरे लेने बाप में, रे, इतना देख भी नहीं रहा दूर, है। ओ भगवान, बाप रे, सब तहस नहस, इधर उधर सामान फेंका के, अरे बाप और रे, मैं तो लुंगी में चल भी नहीं पा रहा। हाँ मेरे बाल तो सब हाथ नीचे चले जा रहे हैं। तुम भी आज लहंगा पहंगा पहने हो, लहंगा है महंगा महंगा। मक्खन हाँ चोर जो है ना, ये चोर देखो बहुत कलाकार है। अभी तक फोटो खींच रहा, नहीं खिंचा रहा था, नाटक कर ये रहा देखो था। देव, तुम्हारी बांसुरी फंस गई है। ओहो ये देखो कितना बेटा, दिक्कत हुई यार वीडियो बनाना। क्या बेटा, अब भी ना ए यहाँ से सही आ ही नहीं रहा। उठो वहां चलो, जब लाइट इतनी सारी जल रही है, लाइट है ना, देखो कितनी सारी लाइट, सारे जला कर शॉर्ट शूटिंग की वजह से। उठो रुक जाइए यार, बहुत तेज गर्मी लग रही, थोड़ा तो सा उठो, कूलर ऑन यहीं कर दो। रहेंगे। मैं चलते नहीं बन रहा, देव का तो सटक रहा हाथ। इसको हाँ तो उसको ठंडा कर दो फिर से। ले भेज दीजिए दादी को, भी परेशान भी करने लगा। चले ले जाइए अम्मा को शूट तुम दीजिए। कर, देखे अम्मा सो रही है क्या। मैं पापा देखते चल नहीं पा रहा हूँ लुंगी में, तो मम्मी बिजी है। अरे आ जाओ जल्दी ले आ जाओ बाबू के, 2 मिनट बहुत गर्मी है। जाओ वो देव, देख पापा रही है को, पापा वीडियो वगैरह, के पास फोटो खिंचा दो। जाओ पापा के पास जा रहे, फोटो ब्लॉग खिंचा ब्लॉग के दो। पास फोटो ये खिंचाएगा लो। और जाके दियो। अरे बाप रे, अरे इसको तो घंटी लग गई इसकी, तो इसमें परेशान हो जाते हैं। देव ये देखो, देव देव देव, और देखो देखो देखो, देखो। अरे फोटो खिंचा गई, फोटो खिंचा गई। अब मक्खन चोर बोलो, बहुत नाटक कर रहे और थे ना अब अभी ऐसा तक। एक पार्ट फोटो खींच लीजिए, सेल्फी का भी, ये कान्हा जी बना है। सेल्फी दूसरे फोन में, हाँ ठीक, अच्छा जाने दीजिए, बाद में खींच लीजिएगा। लेकिन थंबनेल में जो लिए वो साफ ही आए मेरे सब ना, साफ है अरे मेरे एकदम सर क्लियर। दर्द करने लगा। जल्दी दे दीजिए, वो हाँ बकरा मम्मी पूरा देख लेंगे लगता है वीडियो। आके बोल के आई नहीं अभी तक। ए भाई कहो क्या आवत है। बेटू तुम्हारे ये सब खराब हो जाएगा, हम फिर देंगे। अरे तुम लाइक जाबो तब ना आओ, हम रिकॉर्डिंग करते थे ना। बाप रे ये ये तो गर्मी हो रही सब है। देखो गाइस, हम लगाए हैं अपने से नीचे जितना भी दिख रहा है, ये सुखन इससे आवाज गूंजती नहीं, इसलिए भी यहाँ लगाया गया। अरे आवाज बाप मतलब रे, जैसे हम वीडियो बना रहे तो आवाज गूंजेगी मुझे नहीं, जल्दी से पंखा इसीलिए इतना तो पसीना भीग गया है। पंखा पंखा बस चालू करिए, बाहर। पंखा अरे बाहर बाहर बहुत ठंडा था। आवाज या कन्हैया,
पापा अपने फोन में फोटो खींच लेंगे। अरे चलो बहन इसका ये पहुंच दीजिएगा भी नहीं जब वहाँ पे इतना हम आए थे फोटो गिर गए गिर सब तोड़ दो गिरा दो तोड़ दो ले चलो आओ बप्पा के साथ फोटो खिंचाओगे संभाल लूंगे तो हम चले नहीं पा रहे बस वीडियो बना इधर से नहीं तो वहाँ वहाँ खड़ी हो गए पापा ही है तुम वहाँ खड़ी हो गए चलो देखो देखो कैमरे साफ नहीं है तो फोनवा ही नहीं साफ फोनवा ही सही नहीं बनाए हैं। वन टू देखा था जो फोन अरे थरी देव दे हजर चले चलो गाइस और मजे में हूँ आप लोग। अब ब्लॉग वीडियो थोड़ा कम आने लगी है उसका कारण है ओ ये अपनी सेल्फी खींचने लगी सेल्फी क्वीन बनी है ज्यादा हमारे साथ लोग बहुत फोटो खींचने के लिए परेशान है तुम्हें इकलौती थोड़ी हो यहाँ नहीं वहाँ चलो खींचते हैं हम लोग थोड़ा कुछ से भी चलते नहीं मतलब निचवा मारे लहंगा फंसा जा रहा है लहंगा है ये महंगा महंगा कैमरा पूछी हमको आगे आना चाहिए इसे बढ़िया तो वहां आ रहा कैसे आ रहा है तुम्हारे फोन ये मेरा फोन है क्या बहुत पागल है अपने फोन में जितने से बढ़िया तुम्हारे में आता है नहीं मेरे में अच्छा नहीं आता अपने जैसे अच्छा ये अच्छा आ रहा है इसको बोलते अच्छा लग रहा कैमरा भी नहीं पहुंची हो तुम उतर गए ये पल अब उतार दो सर अच्छा रहा सारे सामान उतर रहे हैं नहलाने जा रहे मम्मी और तुम भी अपना गेटअप चेंज करने जा रहे हैं और वीडियो क्यों नहीं आ रही यही पे फोटो खींच लीजिए इसमें हमको दे दीजिएगा खींच चुके हैं नहीं मेरी अकेले से दूर से अकेले इसमें इस लहंगे में है फोटो ठीक है बहुत पहले अभी ताजा खींचने कोई मतलब नहीं एकदम क्लियर लोग खींच लिए और पास यार तुम है ये खड़ी खड़ी फोटो है याद रखना थंबनेल टाइप ये है दूसरा दिन हमारा हम लोग कल बने थे क्या क्या आप लोगों ने देख लिया और कैसा लगा कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था आप लोग बताना हमें तो ये दोनों अच्छे लग रहे थे ऐसे ही होते हैं हम आपको बोलिए और आप हमें बोलिए कल हम बनाए थे पन गुजवा ये देखिए अभी तक रखी है क्या इसका जो स्ट्राटा है ना जिसे बड़े बड़े रहते थे तो मैंने काट के ये निकाल दिया ये ऐसे लगा था क्या कहते हैं इसको जैसे गुजिया का कटन नहीं 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 वो अरे वो मठरी एकदम ऐसे लग रहा अभी सुबह निकाला है कल मठरी मठरी सा लग रहा कल नहीं निकाले थे अभी निकाले अभी जा रहे और ये हम मूंगफली भून के रखे हैं हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे और आज मैं इडली बनाने वाली हूँ इडली और इडली का मेरे पास कुकर वुकर नहीं है तो इडली बनाने के लिए मुझे ये जो ये गैस का स्टैंड है इसको कढ़ाई पे ऐसे रखूंगी और वो जाली वाला जो होता है सब्जी का उसको इसके ऊपर रख के चलो दिखाएंगे इतनी छोटी छोटी कटोरियों को इसके ऊपर रख के तब बनाऊंगी दिखाएंगे ना दिखाएंगे और जिसको खाना है ये रखा खा सकता है भले ही कल का बासी है मैं सोची
बिना स्टैंड के शायद नहीं बना पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी जो चाह लो वो हो सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मतलब बिना स्टैंड के भी इडली बन सकती है। वीडियो इडली वही तो पूछ रहे, नहीं बना सकती स्टैंड पे, स्टैंड का तो वीडियो स्टैंड ज्यादा होता है। अरे वीडियो स्टैंड नहीं हो रहा, इडली। दुनिया में जो चाहो सब हो सकता है गाइस, बस चाह होनी चाहिए और कुछ नहीं, यही सब। ये नहीं कि पैसे नहीं होना चाहिए, जरूरी हो रही है कि हर चीज सुविधा रहे तभी कुछ हो सकता है, सब कर सकते हैं यार हम बिना। पैसा कहाँ से आए, आप लोग हमारी वीडियो ही नहीं देखते हैं तो मैं पैसा कहाँ। बहुत सही, जाने तो हमेशा नहीं बोल रहे ऐसा। क्या हम बोलते हैं हमेशा? ये मेरी नाक साफ करी है, देखो ऐसे बोल रहे हैं नाक साफ करी, ये यहाँ से ये नाक साफ ही होते दो प्रकार के नाक होते हैं, ऊपर के नाक साफ करी कि ये जैसे यहाँ पे वो जम जाते हैं ना तो ऐसे पकड़ के खींचती है जोर जोर से ना, ये हालत खराब हो जाती है, पसीने हो जाते हैं। तो आजकल डेली क्या बात है, फ्रेश फ्रेश लगती है। तो नहाई हो तो फ्रेश रह पाई करूंगी, नहीं मतलब सेट रहती है हर चीज। हाँ तो अब मैं ज्यादा तैयार होती, कभी ज्यादा मेकअप करती तो कभी कम करती। मुझे ना ऐसे घर वाला मेकअप ज्यादा पसंद है, जैसे कि पार्लर में मेकअप करना हो तैयार होना वो नहीं, नॉर्मल जैसे कि क्रीम नहीं लगाती, थोड़ा सा पाउडर लगाती हूँ, थोड़ा सा बिंदी लगाती हूँ, पता नहीं क्या लगाती है। बिंदी गिर जाती थी तो मैं नेल पेंट की बिंदी रखती हूँ। और कहाँ चली गई वो? उड़ गई, कल की रखी हुई है, थोड़ा बच्ची देखी निकलने ही वाली नहीं। चलो गाइस आज का ब्लॉगिंग एंड करेंगे और ये अब जा रहे हैं सब वो खाने, क्या बोलते हैं उसका, पन को झुबा। हो सकता है आपकी तरफ और कुछ बोला जाता हो, मम्मी को बहुत पसंद है और मेरे को थोड़ा बहुत पता था और मम्मी भी थोड़ा बहुत पता थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे अलग तरीके से बताया, मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर, वो मेरे को अलग तरीके से बोली, कही कि चावल का आटा और गेहूं का आटे को दोनों, धन्यवाद बताने के लिए। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। उसका अलग तरीका तुम्हें बताने का, सब कुछ कुछ जानते हैं, सबको कुछ नया पता होता है, अच्छा होता है कि सबसे नॉलेज लेना चाहिए चाहे जो। जैसे कि मुझे पता था क्योंकि मैं पहली बार थोड़ी नहीं बना रही थी, लेकिन वो जो अलग तरीका बता दे कि चावल के आटे से भी बनाओ बहुत टेस्टी होता है, उसमें कुछ कुछ नहीं आता, तो चावल के आटे और गेहूं का आटा दोनों को मिक्स करके जब बनाए तो उसमें सच में किचकिच नहीं आ रहा था, नहीं तो ये किचिर किचिर आता है ऐसे ऐसे खाने में। हाँ ये बात। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग एंड करेंगे, थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कम आ रही है उसका कारण बस यही है कि मतलब कम जब चलने लगती है तो कम हम लोग डालने लगते हैं, ये सब है और प्लस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच, ओके जैसे आप लोगों की इच्छा वैसे देखिए, बाय बाय, टेक केयर।